आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं राजकिरण हूं आपके साथ। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने 30 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी और फैंस का शुक्रिया अदा किया। मुरली ने इसके साथ यह भी बताया कि वह अब विदेशी लीगों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बता दें कि मुरली ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर संन्यास की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि मुरली ने भारत के लिए अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों से संन्यास का ऐलान करते हुए मुरली ने ट्वीट कर लिखा, 2002 से 2018 साल के बीच का मेरा सफर सबसे शानदार रहा, क्योंकि मुझे खेल के उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सुनहरा मौका मिला था। मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड TNCA CSK द्वारा मुझे दिए गए मौकों के लिए दिल से आभारी हूं। मैं साथ ही अपने साथी खिलाड़ी कोचों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुरली विजय के क्रिकेटिंग करियर की अगर बात करें तो उनके टेस्ट करियर में उन्होंने 2008 से 2018 के बीच कुल 61 मैच खेले और इस दौरान उन्होंने 3982 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा 17 वनडे मैचेस में विजय ने 339 रन बनाए, जिसमें उनका उच्च स्कोर 72 रहा। वहीं 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए उन्होंने कुल 169 रन बनाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।